हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास नाइन्थ बिहाइव का यूनिट 10 काठमांडू से लिखा हुआ है विक्रम सेठ ने। काठमांडू की जब यात्रा पे जाते हैं क्या उनके एक्सपीरियंस होते हैं, तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं। पढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। लेसन 10 है काठमांडू। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक ट्रैवलिंग, क्या आपको यात्रा करना पसंद है? द राइटर, जो लेखक हैं विक्रम सेठ, इन्जॉयस इट वेरी मच, उन्होंने इसका बहुत ही आनंद लिया या उन्होंने वह इन हिज बुक और अपनी किताब में हेवन लेक, जो एक स्वर्ग की झील है, ही डिस्क्राइब अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया, उन्होंने अपनी चाइना से भारत की जो एक लंबी यात्रा है उसका वर्णन किया है। बाय तिब्बत एंड नेपाल, जो तिब्बत और नेपाल से होकर के आए थे। तो यूँ कह सकते हैं कि जो इस राइटर हैं विक्रम सेठ, उन्होंने इस यात्रा का बड़ा ही आनंद लिया है और अपनी जो किताब है स्वर्ग की झील, उसमें उन्होंने चाइना से भारत की जो तिब्बत और नेपाल होते हुए एक लंबी यात्रा है उसका वर्णन किया है। हैव यू हर्ड अ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, क्या आपने कभी अजमेर शरीफ नाम का जो स्थान है, मदुरई जो नाम है, सांची, बनारसी, सारनाथ और साथ में जो हेलबिड नाम के स्थान हैं इनके नाम सुने हैं? कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दीज, और क्या आप ऐसे ही कुछ स्थानों के नाम बता सकते हैं? व्हाट डू यू सराउंडिंग्स ऑफ द होली प्लेसेस इन योर सिटी लुक लाइक, आपके शहर में या नगर में जो किसी पवित्र स्थान के आसपास का जो वातावरण है, सराउंडिंग्स है, वो कैसा है? थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचें। एज यू रीड विक्रम सेठ डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू, जब आप विक्रम सेठ का जो वर्णन है काठमांडू का उसके बारे में पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में सोचेंगे। शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ से। फर्स्ट पैराग्राफ है, आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स, मैंने गेट लिया, क्या लिया, एक सस्ता सा कमरा नगर के सेंटर में मध्य में और स्लीप फॉर आवर्स और घंटों। आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ द टाउन, मैं नगर के बीच एक सस्ता सा कमरा लेता हूँ और घंटों सोता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, विथ मिस्टर शाह सन्स एंड नेफ्यू, और अगली सुबह मिस्टर शाह के बेटे और उनके भतीजे के साथ, आई विजिट द टू टेम्पल इन काठमांडू, मैंने काठमांडू के जो दो मंदिर हैं उनका भ्रमण किया। दैट आर मोस्ट सैक्रेड ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, जो हिंदू और बौद्ध के लिए या हिंदुओं और बौद्धों के लिए अत्यंत ही सैक्रेड पवित्र हैं। एट पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ के मंदिर पर आउटसाइड विच आर साइन प्रोक्लेम एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, जिसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, चिन्ह लगा हुआ था, जो इस बात का प्रतीक था या इस बात की घोषणा करता है कि केवल जो हिंदू होंगे वो ही प्रवेश के लिए या प्रवेश करेंगे। देयर इज़ एन एटमोसफेयर ऑफ फेयरवेल कन्फ्यूजन, और वहाँ पर या जो कहा जाए कि जो वातावरण था वो बड़ा ही असमंजस भरा था, फेयरवेल कन्फ्यूजन है ना। प्राइस्ड हॉकर्स, डेवोटी, टूरिस्ट, काउस, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड, जो पुजारी थे और जो हॉकर्स थे, जो डेवोटी श्रद्धालु थे, जो यात्री थे, भ्रमणार्थी, जो गाय थी, बंदर थे, कबूतर और जो कुत्ते थे, वो उस ग्राउंड पे यहाँ वहाँ रोम भटकते रहे थे। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हम लोगों ने कुछ जो फूल थे वो वहाँ ऑफर किए या हम चढ़ाते हैं। देर आर सो मैनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्राइस अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाई अदर पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट, और वहाँ पे ऐसे बहुत सारे श्रद्धालु थे दैट सम पीपल, उनमें से जो कुछ थे ट्राइंग टू गेट द प्राइस अटेंशन, जो
पुजारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे और एल्बोड असाइड बाई अदर पुशिंग देयर वे टू इन फ्रंट, जो उनके सामने थे उनको अपनी कोहनी से धक्का मारकर पुश कर उन्हें साइड हटाकर पुजारी का ध्यान अपने ऊपर लाना चाहते थे। अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, और तभी वहाँ पे नेपाल के जो शाही महल की एक प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, वो आती है। एवरीवन बोज एंड मेक्स वे, हब कोई जो था उन्हें नमस्कार करता है और रास्ता देता है बाय द मेन गेट, और जो मुख्य दरवाजे से अ पार्टी ऑफ सैफ्रॉन क्लैड वेस्टर्न स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर, एक भगवा रंग के जो कपड़े पहने हुए कुछ विदेशी लोग थे वो उस में प्रवेश करने की जो परमिशन थी वो लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज, ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, जो पुलिस वाला था ये मानने को तैयार नहीं था कि वो हिंदू हैं क्योंकि हिंदुओं को ही उस मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति थी। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकी, और तभी दो बंदरों के बीच में एक झगड़ा शुरू हो गया। वन चेज द अदर, जो एक मंकी था वो दूसरे का पीछा करता है, हु जंप्स ऑन टू अ सिबलिंग, जो एक सिबलिंग के ऊपर कूदता है। देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स एंड डाउन टू द रिवर, और उसके बाद वो जो मंदिर का ग्राउंड था उसमें चीखते हुए भागने लगता है और नदी की तरफ भागता है। द होली बागमती, जो एक पवित्र बागमती नदी है, दैट फ्लोज ब्लो, जो नीचे बहती है, वहाँ पहुँच जाते हैं। अ कॉर्प्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स हैंक, और जो लाशें हैं, कॉर्प्स हैं, जो सब हैं, इज बीइंग क्रीमेटेड, वो जल रहे हैं, कहाँ या जलते हैं, ऑन इट्स बैंक, इसके किनारे पर। वाशरवुमेन, जो धोबिन है, आर एट देयर वर्क, वो अपने काम में लगी है। एंड चिल्ड्रन बाथ, और जो बच्चे हैं वो नहाते हैं। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीप, और बालकनी से एक टोकरी भर जो फूल हैं और जो पत्तियाँ हैं, ओल्ड ऑफरिंग नाउ विल्टेड, जो पहले ईश्वर को अर्पित की गई हैं या उन्हें चढ़ाई गई हैं। नाउ विल्टेड, जो अब यूँ कहा जाए कि उतर चुकी हैं, इस ड्रॉप इन टू द रिवर, उसे नदी में डाल दिया जाता है। अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक, और एक छोटा सा जो मंदिर है, या यूँ बोला जाए कि एक जो छोटी सी मंदिर है, हाफ प्रोट्रूड्स, छोटी सी उभरी हुई है। फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक, वो नदी के किनारे पर एक पत्थर के जो प्लेटफॉर्म पे एक छोटी सी मंदिर या मंदिर जो है वो उकेरा हुआ है। व्हेन इट इमर्ज फुली द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, और इस नदी के किनारे पे दिखाई दे रहा है, और जब ये पूरी तरह से बाहर आ जाएगा तो इसके अंदर जो देवी हैं वो बाहर आ जाएंगी। And the evil period of the Kalyug will end on the earth, और धरती पर जो कलयुग का ये जो दुष्प्रभाव है या बुरा समय है उसका अंत हो जाएगा, ऐसा मानना है कि नदी के किनारे जो श्राइन है उसमें ऐसा होगा। At the बुद्धनाथ स्तूप, और बुद्धनाथ के स्तूप पर the Buddhist Shrine of काठमांडू, जो काठमांडू के बुद्ध मंदिर हैं, there is इस कॉन्ट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, वहाँ पे एक विरोधाभास है या इसके बिल्कुल विपरीत है, वहाँ पे अभी भी एक सन्नाटा है या स्तब्धता है या स्थिरता है। इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड, और इसका जो विशाल सफ़ेद गुंबद है उसके चारों ओर एक रोड बनी हुई है, वो एक रोड से घिरा हुआ है, रिंग हुआ है। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, और जो छोटी छोटी दुकानें हैं उसके बाहरी किनारे पे खड़ी हुई हैं। मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिब्बतन एमिग्रेंट्स, और ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो जो तिब्बती
प्रवासी हैं उनकी फेल्ट बैग जो उनकी ऊनी बैग हैं, तिब्बतन प्रिंट एंड सिल्वर ज्वेलरी और तिब्बती जो रंग बिरंगे प्रिंट की गई जो कपड़े हैं, उनकी जो सिल्वर की ज्वेलरी है कैन बी बॉट हेयर, वो यहाँ पे लाए हुए हैं। देर आर नो क्राउड्स, वहाँ पे भीड़ नहीं है। दिस इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड, और ये उस भीड़ वाली जगह में या भीड़ भाड़ युक्त जगह में एक स्वर्गिक शांति के समान है। काठमांडू इज विविड, काठमांडू है वो एक प्रकार से जीवंत है। मर्सेनरी रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन टू फ्लावर एडर्न्ड डीटी अलोंग द नैरोवेस्ट एंड बिजीएस्ट स्ट्रीट्स, जो काठमांडू है वो जीवंत है, धनवान है, धार्मिक है, और एक जो पतली या छोटी सी जो साइन टू फ्लावर ऑर्डन फूलों से सजी हुई जो डीटी अलोंग है देवीय या देवी देवताओं की छोटी छोटी सी जो एक माला है नैरोवेस्ट एंड बिजीएस्ट स्ट्रीट, या यूं कहा जाए कि उन पर जो एक सकरी और बिजी गली है विद फ्रूट सेलर जहाँ पे जो फूलों को फलों को बेचने वाले हैं, फ्रूट सेलर मुरलियों को बेचने वाले, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड जो पोस्ट कार्ड को बेचने वाले हैं, सॉफ्ट सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स और जो पश्चिमी परिधानों को बेचने वाली दुकानें हैं, फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट्स जहाँ पे फिल्म रोल और चॉकलेट्स मिलती हैं और कॉपर यूटेंसिल तांबे के बर्तन मिलते हैं, एंड नेपाली एंटीक्यूज और जो नेपाल की कुछ पुरानी चीज़ें हैं वहाँ पे पाई जाती हैं। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, जो फिल्मों के गाने हैं वो रेडियो से ब्लेयर आउट बजाए जा रहे हैं। कार हॉर्न साउंड, कार की जो हॉर्न हैं वो बज रही हैं। बाइसिकल्स बेल्स रिंग, जो साइकिलों की घंटियाँ हैं वो बजती हैं। स्ट्रीट काउस लॉ कसनिंगली, और जो भटकती हुई गाय हैं वो यहाँ पे रंभाती हैं एट मोटरसाइकिल्स और मोटरसाइकिल की ओर देखती हैं। वेंडर्स सॉर्ट आउट देयर वेयर्स, और जो वेंडर्स हैं सामानों को बेचने वाले विक्रेता हैं वो अपने माल को बेचने के लिए चिल्लाते हैं। आई इंडल्ज, और मैं इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, और मैं जो हूँ वो बिना किसी माइंडलेसली मतलब बिना किसी उद्देश्य के इसका मज़ा लेता हूँ। बाय अ बार ऑफ मार्जिपन, अ कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन द चारकोल ब्रेजियर ऑन द पैवमेंट, और मैं एक जो मार्जिपन है एक स्वीट मिड विद ग्रेटेड आलमंड, बादाम से बनी हुई एक मिठाई है, और जो भुट्टे हैं जिसे सिगड़ी की चारकोल या कोयले की सिगड़ी में उस फुटपाथ पे भूना गया है वो एक खरीद लेता हूँ। रब्ड बिस्सार, जिसके ऊपर नमक चिली पाउडर मिर्च पाउडर एंड लेमन, और जो नींबू है उसे रगड़ा गया है, मैं उसे ख़रीदता हूँ। अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक, और एक दो चार जो प्रेम कहानियाँ की जो कॉमिक्स हैं जो किताबें हैं, एंड इवन अ रीडर डाइजेस्ट, और जिसे एक पाठक है रीडर डाइजेस्ट जो है वो भी क्रैक कर लेता हूँ। ऑल दिस आई वॉश डाउन एंड कोका कोला, और इन सब के साथ मैं एक कोका कोला की जो बॉटल है उसे धुलता हूँ। एंड अ नसीटिंग ऑरेंज ड्रिंक, और एक संतरे का पेय पदार्थ लेता हूँ। एंड फील मस्ट द वेटर फॉर इट, और इन सब में बहुत ही अच्छा फील करता हूँ। आगे उन्होंने कहा, आई कंसीडर व्हाट फ्रूट आई शुड टेक बैक होम, और मैंने सोचा कि मैं या मुझे घर वापस जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना चाहिए। व्हाट फ्रूट शुड आई टेक, कौन सा लेना चाहिए। ए फाइबर प्रोपेल्ड बाय एंथुसियम फॉर ट्रेवल पर से मतलब बाई सेल्फ, खुद से ही। उसने कहा कि यदि जो मैं जो हूँ उत्साह से प्रेरित होकर खुद ही क्या करूँगा, जाता हूँ
आई वुड गो बाई बस एंड ट्रेन टू पटना, तो मैं बस या ट्रेन से पटना जाऊँगा। देन सेल अप द गैंग्स पास्ट बनारस टू अलाहाबाद, और उसके बाद मैं नाव से गंगा को पार करते हुए बनारस से इलाहाबाद पहुँचूँगा। देन अप द यमुना, और उसके बाद यमुना को पार करूँगा। पास्ट आगरा टू दिल्ली, और दिल्ली के पास आगरा पहुँचूँगा, या आगरा होते आगरा को पास करते हुए मैं दिल्ली पहुँचूँगा। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एट होम सिक, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा अपनी घर की, या मुझे घर की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, और आज अगस्त का अंतिम दिन था। गो होम, घर चलो, आई टेल माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा। मूव डायरेक्टली टुवर्ड होम, और सीधे घर ही चलना। आई इंटर अ नेपाल एयरलाइंस, और मैंने नेपाल की जो एयरलाइंस थी उसके ऑफिस में प्रवेश किया। एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारो फ्लाइट, अगले दिन की या कल की जो टिकट थी उन्हें खरीद लिया। आई लुक एट द फ्रूट सेलर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, और मैंने होटल के पास वाले चौराहे पर उसके कोने में एक बांसुरी बेचने वाले को खड़ा हुआ देखा। इन हिज हैंड इन अ पोल विद एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 or 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शन, और मैंने उसके हाथ में एक पोल को देखा, एक डंडे को देखा, जिसके ऊपरी सिरे तक एक 50 से 60 जो कुछ बांसुरियाँ थीं वो अलग अलग दिशाओं में उसमें लगी हुई थी, अटैच थी, लाइक दिस क्विल्स ऑफ अ प्रोक्यूपाइन, और जो सभी दिशाओं में फैली हुई थी। दे आर ऑफ बम्बू, वो सब बांस की बनी हुई थी। दे आर क्रॉस फ्लूड, और वे सारी क्रॉस बांसुरी थी। एंड रिकॉर्डर्स, और रिकॉर्डर्स थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर ही स्टैंड द पोल ऑन द ग्राउंड, और वह अपने जो डंडा था वो जमीन पे रखता। सेलेक्ट अ फ्लूट एंड प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट, और कोई एक बांसुरी चुनता और उसे कुछ मिनट तक बजाता रहता था। द साउंड राइज क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, और उसका जो ध्वनि था वो उस ट्रैफिक के जिस ट्रैफिक एंड हॉकर्स क्राइस जो ट्रैफिक था और जो हॉकर के चिल्लाने की आवाज़ थी उनके शोर में एक स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। ही प्ले स्लोली मेडिटेटिवली विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, और वह बड़े ही धीमे धीमे ध्यानपूर्वक और बिना किसी दिखावे के वो उसे बजाता। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, और अपने माल को या माल के लिए या माल को बेचने के लिए ज़ोर से आवाज़ नहीं लगाता था या नहीं चिल्लाता था। ओकेजनली, और कभी कभी या बीच बीच में, ही मेक्स अ सेल, वह बेच भी लेता था या बिक्री भी कर लेता है। बट इन अ क्यूरियसली ऑफेंडेड वे, एज इफ दिस वेयर इंसिडेंटल टू हिज इंटरप्राइज, और किंतु उत्सुकता से और एक तटस्थ भाव से, स्थिरता से, जैसे कि वह अपने व्यापार या उद्यम के लिए कभी कभी घटना हो, वो कोई घटना हो गई हो, ऐसा कुछ था। समटाइम ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, और कभी कभी और वो पला उसे प्ले करना या उसे बजाना बंद करके वह फलों के बेचने वाले से बात करने लगता। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, और मैंने ऐसा कल्पना की कि यह उसके जीवन का कई सालों से यह उसके जीवन का एक ढंग या पैटर्न बन गया है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर, और मैंने अपने आप को उस चौराहे से दूर करने में कठिनाई का महसूस की। फ्लूट म्यूजिक अवे ऑलवेज डज दिस टू मी, और जो बांसुरी की ध्वनि थी उसने हर बार या ऐसा ही किया, या बांसुरी का संगीत हमेशा यह करता है। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल, यह एक विश्वव्यापी एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड, और एक खास प्रकार की ध्वनि है। देर इज नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट द रीड ने, देर इज़ नो कल्चर, ऐसी कोई भी संस्कृति नहीं है जिसमें कोई भी बांसुरियाँ नहीं रही हों। द रीड ने, जो
एक रीड ने है, द रिकॉर्डर, रिकॉर्डर है जापानीज, सकुहाची ये भी एक बांसुरी का प्रकार है, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और शास्त्रीय संगीत की एक गहरी या बांसुरी, द क्लियर और ब्रीथी फ्लूट ऑफ साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका की स्पष्ट और श्वास भरी जो कि बांसुरियाँ हों, द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट या फिर चाइना की एक हाई पिच या तीव्र ध्वनि वाली या तीव्र पिच वाली जो कोई बांसुरियाँ हों रही हुई हैं। ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास और प्रत्येक में अपने एक विशिष्ट अंगुलियां और रेंज थी। इट बेब्स इट्स ऑन एसोसिएशन और ये अपना खुद का एक योग बनाती हैं। एट टू हियर एनी फ्लूट इज और किसी भी बांसुरी को सुनना, इट सीम्स टू मी तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बांसुरी को सुनना, टू बी ड्रॉन इन टू द कम्युनिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड कि वह सारी मानवताओं को, समानताओं को आकर्षित करता है। टू बी मूव्ड बाई म्यूजिक क्लोज इट्स फ्रेज एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस और उसने कहा कि जो संगीत से निकली हुई कुछ वाक्यांश है और जो संकेत वाक्य हैं वो मानवों को मोहित करते हैं या मानव की आवाज़ में समा जाते हैं। इट्स मोटिव फोर्स टू इट्स लिविंग ब्रीथ और इसकी जो प्रेरक तत्व हैं, जीवन श्वास इज टू नीड्स टू पॉज द ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन और वो भी इसको चलते रहने में या रहने में रुकना या श्वास लेना का होता है, या यूँ कहा जाए कि इसके लिए लगातार सांस से फूंकना और चलते रहने की आवश्यकता होती है। दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाई द फ्यू फैमिलियर फ्रेजेस और चूँकि मैं बांसुरी के कुछ अति परिचित शब्दों से प्रभावित हो सकता हूँ, सरप्राइज मी एट फर्स्ट और ये मुझे सबसे पहले आस में डालती हैं। फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेशन और इसके पहले समय दैट आई हैव रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस अबाउट जो कि मैं एक विदेश से वापस लौट कर आया, आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स तो मैंने ये जो डिटेल्स थी, ये जानकारियाँ जो हैं बड़ी मुश्किल से इकट्ठी की एंड सर्टेनली और निश्चित रूप से हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू और निश्चित रूप से मैंने इसके महत्व को जो मैं आज कर रहा हूँ आज तक नहीं समाया या नहीं पहचाना है। तो ये था हमारा लेसन कि कैसे जो विक्रम सीट हैं उनके द्वारा जो लिखी गई हेवंस लैक है उसके बीच से इस काठमांडू को लिया गया है। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।